गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, लास्ट हमने अपने चैप्टर नंबर 9 में भंवर धारा को हमने सीखा था कि भंवर धाराएं क्या होती हैं, एडी करंट्स क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसको समझा था। तो भंवर धारा क्या होती है कि कोई भी चालक प्लेट होती है, अब यहां कोई कुंडली नहीं है, कोई चालक प्लेट है, कोई धातु की प्लेट है, तो अगर उससे संबद्ध में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो यहाँ एक भंवर के समान धाराएं उत्पन्न होती हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में गति करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था भंवर धाराओं के बारे में। भंवर धाराओं के एप्लीकेशंस भी हैं, कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो हमें पता है कि धारा है तो इसका ऊष्मीय प्रभाव होता है, हीट इससे उत्पन्न होती है, भंवर धाराओं से हीटिंग इफेक्ट होता है। अगर इस हीट को हम यूज कर सके तो ये इसका एडवांटेज हो गया, और अगर इसका हम यूज नहीं कर सके, ये ऐसे ही खराब हो जाए, तो इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो हम देखा था, हमने भंवर धाराओं को स्पीडोमीटर में यूज किया, स्पीडोमीटर में हमने यूज करा, इलेक्ट्रिक जो ब्रेक होते हैं उसमें भी हमने इसको यूज करा। ठीक है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, रुद्योग धारा मापी, इसमें हमने इसको यूज करा, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डायथर्मी, जो मेडिकल डायथर्मी, उष्मा से उपचार करना, इसमें हमने इसका यूज किया। तो भंवर धारा किसे कहते हैं और इसके कोई उपयोग बताइए, 2-3 तो वो आपको मालूम होने चाहिए, ये क्वेश्चन इस पर बन जाता है। ओके, तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, यानी आज का हमारा जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, स्वप्रेरण, स्वप्रेरण। ठीक है बच्चों, स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण का मतलब क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, ओके, तो टॉपिक हमारा आज का है स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन आपको दिखाई दे रहा है साफ, सेल्फ इंडक्शन। देखो बच्चों, नाम से क्लियर है, स्वप्रेरण है स्वयं का परिपथ, स्वयं का ही प्रेरण। तो इसको समझने के लिए क्या है, अब ये तो हमें पता है कि प्रेरण का मतलब क्या है, कि वही हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा, ये किसका मतलब है, इंड्यूस का मतलब है, यानी यहां पर हमारे पास विद्युत वाहक बल और धारा प्रेरित होंगे। तो स्वप्रेरण का मतलब क्या है, तो देखिए बच्चों, हमने क्या करा, एक सर्किट बनाया, ये मैंने इस तरह एक कुंडली ले ली। ठीक है बच्चों, तो इस कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है वो है कैपिटल एल, पढ़ेंगे इसको, और मैं लिख रहा हूं कैपिटल एल। जैसे किसी तार का, जैसे हमारे पास कोई तार होता है उसका क्या होता है, प्रतिरोध होता है, हमारे पास कोई संधारित्र होता है उसकी क्या होती है, धारिता होती है। तो ऐसे बच्चों को कुंडली होती है, इस तरह हमारे पास कुंडली है उसका क्या होता है, स्वप्रेरकत्व होता है, स्वप्रेरण गुणांक होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे, तो यहां मैंने क्या लिख दिया, एल। ठीक है, ओके, तो बच्चों यहां पर सपोज करो मैंने एक बैटरी लगा दी और एक यहां हमने कुंजी लगा दी। ओके, ये बैटरी हमारे पास प्लस माइनस और ये कुंजी है, तो ये हमारी बैटरी मान लो बी है और ये कुंजी क्या है, के। क्लियर, तो हमने देखा कि जब इस परिपथ में कोई धारा नहीं है, जैसे बैटरी हमें लगाई हुई है, कुंजी में डॉट नहीं लगा रखा हमने, इस कुंजी में क्या नहीं लगा रखा, डॉट नहीं लगा रखा, यानी ये जो परिपथ है वो कैसा परिपथ है, खुला परिपथ है, यानी कुंजी खुली हुई है, तो इसमें कोई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि तो धारा से ही बनता है चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो परिपथ खुला है, कोई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता, तो ना ही कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और ना ही कोई प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो जैसे ही अब हमने इस कुंजी में डॉट लगाया तो परिपथ में क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, यानी अब यह बंद परिपथ हो जाएगा और धारा कहां से कहां होगी, प्लस से माइनस की ओर, तो ये मानो करंट हो गया इसमें आई, आई करंट इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है,
तो देखो जैसे ही हम कुंजी में डॉट लगाते हैं तो करंट आई होने में टाइम लगता है, जो धारा होगी वो शून्य से बढ़ना शुरू होती है। धारा का मान शून्य से कहां तक बढ़ेगा? आई। फिर वो नियत हो जाता है। ऐसे नहीं होता कि जैसे ही आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो, मोबाइल आप चार्ज कर रहे हो तो प्लग लगाते ही, चार्जर का प्लग लगाते ही आपका फोन फुल चार्ज हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर वो चार्जर और फोन आपका सही है तो उसमें टाइम लगता है, चार्जिंग होने में टाइम लगता है। तो ऐसे ही इस परिपथ में धारा आई होने में कुछ टाइम लगता है। तो धारा कहां से कहां बढ़ती है? अपने शून्य मान से बढ़ती है, शून्य मान से बढ़ती है। सपोज करो इसको मैंने बोल दिया आई नॉट बोल दिया, किसी समय धारा मान लो आई है, शून्य से आई नॉट तक बढ़ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे धारा बढ़ेगी तो आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी कहां बढ़ेगा? शून्य से बढ़ेगा। और जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। अरे बात समझ में? तो जब किसी परिपथ में धारा में परिवर्तन होता है, धारा शून्य से बढ़ना शुरू हुई तो धारा में परिवर्तन होगा, विद्युत धारा में परिवर्तन होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो बच्चों इसमें उत्पन्न होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा। तो यही इस गुण को ही हम बोलते हैं स्वप्रेरण, इस घटना को ही हम बोलते हैं स्वप्रेरण। तो धारा प्रवाहित होने से इस कुंडली में क्या उत्पन्न होता है भाई? चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इस घटना को ही, मतलब जिस परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ उसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इस घटना को ही बोलते हैं स्वप्रेरण, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बनी स्वप्रेरण की? देखो यदि किसी कुंडली से संबद्ध, यदि किसी कुंडली, कोई परिपथ है हमारे पास ही कुंडली वाला, यदि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यदि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है कोई कुंडली है उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसी परिपथ में, उसी परिपथ यानी कुंडली की बात कर रहा हूं, तो उसी परिपथ यानी वही कुंडली जिसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है उसी परिपथ, कोई दूसरा परिपथ नहीं है, तो उसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल V बार है एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है बच्चों। तो यहां समझने वाली बात है स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन, यानी सेल्फ है, खुद ही का परिपथ है, तो जिसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है उसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, कोई दूसरा परिपथ नहीं है। इस घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं बच्चों? स्वप्रेरण कहते हैं। तो ये हो गया हमारा स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण क्या हुआ कि भाई जिस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो बच्चों क्लियर है किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा? जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो, क्योंकि तो आपको पता है कि चुंबकीय फ्लक्स फाई बी, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू क्या होता है? बी एफ। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है? धारा से उत्पन्न होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कब होगा? जब धारा में परिवर्तन होगा। तो धारा में परिवर्तन क्या हुआ कि जैसे हम कुंजी में डॉट लगाते हैं तो धारा ऐसे नहीं डायरेक्ट सीधे वो बढ़ जाती है, जीरो से बढ़ना शुरू होती है, जीरो से आई तक बढ़ रही है। तो धारा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फैराडे और लेंज के नियम से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से ही इस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसी घटना को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्वप्रेरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखें तो ये बात क्लियर है कि जैसे जैसे आप धारा में वृद्धि करोगे, देखो अगर आप धारा में धारा वृद्धि करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसके विपरीत अगर मैं मान लो अब जब धारा बढ़ चुकी है उसमें मैंने कुंजी को ऑफ कर दिया तो धारा घटना शुरू होगी, धारा अपने अधिकतम मान से जीरो की तरफ जाएगी तो धारा घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा, चुंबकीय क्षेत्र घटेगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि धारा बढ़ रही है चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ रहा है, धारा घट रही है चुंबकीय फ्लक्स भी क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी सीधे सीधे मैं क्या कह सकता हूं कि किसी कुंडली से संबद्ध, किसी परिपथ से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है जो फाई बी है, वो उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। फाई बी समानुपाती क्या होता है बच्चों? आई। यानी जो चुंबकीय फ्लक्स है वो परिपथ में प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती। धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ेगा, धारा घटेगी तो चुंबकीय फ्लक्स भी घटेगा। धारा जीरो है तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा? जीरो होगा। तो ये तो बच्चों आपको पता ही है कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है यहां पर, तो यहां आता है एल, कैपिटल एल। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फाइव बी इज इक्वल टू एल आई, फाइव बी इज इक्वल टू एल आई। तो बच्चों यहां समीकरण एक में, समीकरण एक में जो कैपिटल एल है वो एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। इस एल को ही बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। क्या बोलते हैं एल को? स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट या स्वप्रेरकत्व। क्या बोलते हैं बच्चों? स्वप्रेरकत्व। एल यहां एक समानुपाती नियतांक है समीकरण नंबर एक में, फाइव बी इज इक्वल टू एल आई। तो एल जो है वो समानुपाती नियतांक है, इसे क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं समीकरण नंबर एक से एल इज इक्वल टू क्या होगा? एल इज इक्वल टू हो गया फाइव बी अपॉन आई। ये सी डेफिनेशन हो गई इक्वेशन नंबर टू। तो एल की परिभाषा क्या होगी? स्वप्रेरण की, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा क्या होगी? देखो एल की परिभाषा क्या बनाए इससे हम, देखो समीकरण दो से, समीकरण दो से यदि आई इज इक्वल टू वन एम्पियर हो, आई इज इक्वल टू क्या हो? वन एम्पियर हो। तो आप देख रहे हैं एल इज इक्वल टू क्या आ गया? फाइव, समीकरण नंबर तीन। ठीक है बच्चों, तो L यानी स्वप्रेरण गुणांक यानी स्वप्रेरकत्व की डेफिनेशन यहां से हमें मिलती है कि L इज इक्वल टू क्या आ गया? फाइव बी। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी परिपथ में धारा मान लो बढ़ना शुरू हुई, तो किसी परिपथ में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर जितना चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध होता है वही कुंडली का क्या होता है, वही परिपथ का क्या होता है? स्वप्रेरकत्व होता है, स्वप्रेरण गुणांक होता है। ठीक है, दोबारा देखिए L इज इक्वल टू फाइव बी कब मिलेगा? जब I इज इक्वल टू क्या हो? वन एम्पियर हो। तो किसी कुंडली में, किसी परिपथ में वन एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर जितना चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध होता है, जितना चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध होगा वही कुंडली का क्या होता है बच्चों? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक होता है। ठीक है, ओके। तो ये एल की परिभाषा हो गई। अब देखो एल का मात्रक देखें,
एल का मात्रक। यूनिट क्या होगा एल का? एल का मात्रक। देखिए तो आप देख रहे हैं समीकरण नंबर दो से इक्वेशन नंबर टू से एल इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 5e/i। एल इज इक्वल टू क्या है? 5e/i। और 5e क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? बिल्कुल वेबर। क्या होता है बच्चों? वेबर। एम के इस पद्धति की बात कर रहा हूं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। कैपिटल ए। तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर यानी वेबर पर एम्पियर और बच्चों इसी को बोलते हैं हेनरी, कैपिटल एच। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो यहां जो स्वप्रेरकत्व है या स्वप्रेरण गुणांक है उसका मात्रक क्या होगा? वेबर पर एम्पियर, इसी को क्या बोलते हैं? हेनरी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व कब होगा? 1 वेबर पर 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 हेनरी की डेफिनेशन क्या होगी कि अगर किसी कुंडली में किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए और उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 वेबर हो तो जो स्वप्रेरकत्व होगा वो कितना होगा? 1 हेनरी होगा। क्लियर, तो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर 1 एम्पियर। तो एल की परिभाषा हमने पढ़ ली, एल का मात्रक हमने पढ़ लिया। अब देखो एल की विमा निकालते हैं। एल की विमा, ये जो स्वप्रेरकत्व है उसकी विमा, तो वही फॉर्मूला हमारे पास कि भाई एल इज इक्वल टू क्या होता है? 5e/i। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स बटा धारा। चुंबकीय फ्लक्स की विमा आपको नहीं पता है, नहीं याद है तो हम निकाल लेंगे। 5e इज इक्वल टू क्या होता है? BA/i। ठीक है, अब बी तो पता होगा, बी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। नहीं पता तो आपको पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है? QVB। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? QVB। तो यहां से बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? F/QV। तो विमा निकालिए, बी की हम वैल्यू रख दें यहां पर, तो भाई बी की एक्सक्यूज मी, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया? F/QV। FA/QVI। ठीक है, तो B is equal to F/QV, F/QV, A/I तो है ही। अब हम सबकी विमा रख सकते हैं, तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं। ओके, तो L की विमा क्या होगी? F, F होता है फोर्स। फोर्स का मतलब M1L1T-2, ये हो गया बल की विमा। A होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो गया? L2 अपॉन। Q होता है आवेश, धारा गुणा समय, यानी A1T1, धारा की एम्पियर होती है। V हो गया वेग, L1T-1 m/s, और I हो गया एम्पियर, A1। ठीक है बच्चों, तो L की विमा क्या होगी? देखो L1 से L1 कट गया, T1 से T-1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास L की विमा क्या बची? M1, ऊपर बचा L2, T-2, और A2 हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? A-2। तो ये L की विमा हो गई हमारे पास। तो L का मात्रक होता है हेनरी, वेबर पर एम्पियर, और विमा हो गई M1L2T-2 A-2। M1L2T-2 A-2, ये इसकी क्या हो गई? विमा। ठीक है, ओके। तो और हम इसको देखो, L को हम विद्युत वाहक बल के पदों में भी डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो आगे देखिए इसमें, देखिए आपको पता है चूंकि फैराडे व लेंज के नियम से, फैराडे व लेंज के नियम से
फैराडे में लेंज की नियम से। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो यहां बच्चों मैं ऐसा परिमाण ले लूं तो E इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यानी E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। अब देखो फाई की वैल्यू मेरे पास है एल आई, तो E इज इक्वल टू d अपॉन डी टी, फाई मतलब क्या है एल आई। देखो यहां से E इज इक्वल टू, अब L तो कांस्टेंट है, L एक समानुपाती नियतांक है, तो हमने जो नियत होता है उसे अवकलन से बाहर ले लेते हैं, तो E इज इक्वल टू L क्या आएगा d अपॉन डी टी। तो E इज इक्वल टू L d अपॉन डी टी, तो ध्यान रखें आप कि जैसे कोई तार होता है, आर प्रतिरोध का तार है, उसके सिरों पर अगर उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो उसके सिरों पर जो विभवांतर होता है V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। कोई संधारित्र आपके पास है, सी धारिता है इसकी, क्यू चार्ज है इस पर प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना होता है V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो यहां पर पता लग गया कि कोई कुंडली हमारे पास है, कोई कुंडली हमारे पास है तो उसके सिरों पर कितना विभवांतर होगा L di upon dt। ये ध्यान रखना आपको, ये थोड़ा अलग है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होता है IR, धारिता के सिरों पर, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर क्या होता है Q upon C, और प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर क्या होता है L di upon dt। ये ध्यान रखना आपको, E is equal to L di upon dt। विभवांतर की बात करते हैं तो आप पॉजिटिव लेके चलेंगे, और विद्युत वाहक बल बोलेंगे तो हम नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। तो E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, और ये हमारी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई, 4। ठीक है, ये विभवांतर आ गया E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम L निकालना चाहें, देखो समीकरण चार से L इज इक्वल टू क्या आएगा E अपॉन डी आई अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर 5। तो L की परिभाषा यहां क्या होगी, देखो यदि di upon dt ये क्या है, धारा में परिवर्तन की दर ये 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, di upon dt क्या हो 1 एम्पियर पर सेकेंड, क्योंकि करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, तो यदि di upon dt 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो आप देखेंगे समीकरण 5 से L क्या बचेगा बताओ, E अपॉन डी आई अपॉन डी टी हमारे पास है, और डी आई अपॉन डी टी को मैंने क्या माना 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना धारा में परिवर्तन हो रहा है 1 एम्पियर। तो धारा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फैराडे कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो यदि di upon dt 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो समीकरण 5 से हो तो समीकरण 5 से क्या दिख रहा है आपको, L इज इक्वल टू E, इक्वेशन नंबर 6, L इज इक्वल टू E। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी परिपथ में प्रति सेकेंड धारा 1 एम्पियर हो, यानी यदि किसी परिपथ में धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो उसके उस परिपथ के सिरों पर या उस प्रेरकत्व के सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वही क्या होता है स्वयं प्रेरकत्व होता है। क्या होता है बच्चों, स्वयं प्रेरकत्व। ठीक है, तो ये बात क्लियर है, एल इज इक्वल टू एल डी अपॉन डी टी। अब हम देखते हैं कि हमारा जो L है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, L की निर्भरता, L की निर्भरता, L की निर्भरता। ठीक है,
तो देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फाइव इज इक्वल टू एल आई, एल यहां से क्या हो गया फाइव बी अपॉन आई, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। ओके और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं फाइव बी को बी अपॉन आई, और दूसरा फॉर्मूला हमने देखा कि E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, और यहां से L इज इक्वल टू E अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। और E क्या होता है माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी, और ये है डी आई अपॉन डी टी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बचेगा माइनस एन डी फाइव अपॉन डी आई, आप देख सकते हैं किस किस पर निर्भर कर रहा है, बताइए L की वैल्यू किस किस पर निर्भर करेगी बताओ। चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है ये सॉरी जो प्रेरकत्व का मान है वो किस किस पर निर्भर करेगा, तो बताओ कुंडली में जो फेरों की संख्या है उस पर निर्भर करेगा नहीं करेगा, L की जो वैल्यू है वो फेरों की संख्या पर निर्भर करेगी, बिल्कुल करेगी। L फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा, L कुंडली की लंबाई पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, ठीक है, माध्यम पर भी निर्भर करेगा। तो ये क्या हुआ L की निर्भरता, ठीक है बच्चों। आगे देखें अब देखो हमें पता है कि जो स्वयं प्रेरकत्व है जैसे किसी तार का प्रतिरोध था वो क्या करता है धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, ऐसे जो स्वयं प्रेरकत्व है वो भी धारा के मार्ग में क्या पैदा करेगा रुकावट पैदा करेगा, यानी हमें धारा प्रवाहित करने के लिए क्या करना पड़ता है कार्य करना पड़ता है। धारा प्रवाहित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई कार्य, और कार्य ऊर्जा के रूप में क्या होता है संचित होता है, कार्य ऊर्जा के रूप में क्या होता है बच्चों संचित होता है, ठीक है। तो उसी की बात हम करें, अब देखो जो संधारित्र है तो संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है विद्युत ऊर्जा के रूप में, जो हमने पढ़ा था हाफ सी वी स्क्वायर, संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में। अब जो प्रेरकत्व में संचित होती है वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है, ठीक है। कुंडली में कोई भी कुंडली है तो कुंडली में धारा प्रवाहित करने के लिए स्वयं प्रेरकत्व के विरुद्ध, क्योंकि वो धारा का विरोध करता है, स्वयं प्रेरकत्व के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। कुंडली में धारा प्रवाहित करने के लिए स्वयं प्रेरकत्व के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व धारा में परिवर्तन का या धारा में वृद्धि का विरोध करता है। कुंडली का जो स्वयं प्रेरकत्व है वो धारा में वृद्धि का क्या करता है विरोध करता है, ठीक है। अतः यह किया गया जो कार्य है जो हमें स्वयं प्रेरकत्व के विरुद्ध करना पड़ रहा है, अतः यह किया गया कार्य कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में
तो आपसे चुंबकीय ऊर्जा पूछ सकता है। यह किया गया कार्य कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह किया गया कार्य कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है भाई, संचित हो जाता है। तो हम निकालते हैं चुंबकीय ऊर्जा की वैल्यू, ठीक है। तो मान लो किसी समय विद्युत वाहक बल मान लो है E, हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं I और हमने dt समय तक धारा प्रवाहित करी, कितने समय तक, dt समय तक। तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य dw, कार्य क्या होगा भाई, विभव या विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश। तो कार्य क्या हो जाएगा, विभवांतर इंटू आवेश। तो विभवांतर मान लो ई है और आवेश हमारे क्या मान लिया डी क्यू, माइनस क्योंकि विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, माइनस ई डी क्यू, ठीक है बच्चों। कार्य हो गया विभवांतर इंटू आवेश, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई डी क्यू, क्या होगा आई डी टी। हमें पता है धारा का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दर, I is equal to dq upon dt। तो आवेश को मैं क्या लिख सकता हूं, dq को I dt, ठीक है ओके। तो E की वैल्यू आपको मालूम है, बिल्कुल E हमारे पास क्या है, ये जो कार्य है dw is equal to minus E की वैल्यू है पढ़ा हमने, माइनस एल डी अपॉन डी टी और I dt। तो देखो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस एल आई डी आई, एल आई डी आई। तो कुल कार्य या चुंबकीय ऊर्जा क्या होगी, अतः कुल कार्य क्या कर देंगे बच्चों, ऐसा इंटीग्रेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई। तो आप देख रहे हैं धारा के सापेक्ष हो रहा है समाकलन, तो धारा मान लो जीरो से आई नॉट तक बढ़ती है। ये जो आई है वो तो किसी समय धारा है, तो मैंने मान लिया धारा का जो अधिकतम मान है, धारा अपने अधिकतम मान आई नॉट तक बढ़ती है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू आई नॉट एल आई डी आई, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करें, तो बच्चों डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखो एल तो कॉन्स्टेंट है, एल प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट है, समानुपाती नियतांक है, एल को मैंने बाहर लिया, और ये हो गया जीरो टू आई नॉट आई डी आई, जीरो टू आई नॉट आई डी आई। तो ये जो किया गया कार्य है वही मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा के रूप में वो संचित होगा एल आई का, आई के रेस्पेक्ट में समाकलन क्या होगा, आई स्क्वायर बाई टू, और लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से आई नॉट। तो ये चुंबकीय ऊर्जा हमें प्राप्त होती है हाफ एल, लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर। तो कुंडली में या प्रेरकत्व में जो एनर्जी है वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है, यानी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर या हाफ एल आई स्क्वायर आप याद रख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए भी कि किसी कुंडली में किसी स्वयं प्रेरकत्व में जो ऊर्जा होती है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है, और वो कितनी होती है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। क्योंकि हमें किसी कुंडली या परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए उस कुंडली के स्वप्रेरकत्व के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, क्योंकि जो स्वप्रेरकत्व है वो धारा में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो हमारे द्वारा ये जो किया गया कार्य है, बाह्य एजेंसी के द्वारा जो किया गया कार्य है, बाह्य स्रोत के द्वारा जो किया गया कार्य है, वो उस कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो अब ध्यान रखें हमेशा कि संधारित्र में तो एनर्जी विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होती है, जबकि प्रेरकत्व में किसी कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में एनर्जी संचित होती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसका नाम था स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसको ध्यान से पढ़ें, नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।